So very good morning, students. In the previous classes, we have studied about swing equation, inertia constant. उसके बाद हमने how much power can be delivered from a generator through the transmission lines, how much maximum power जिसको हम बोलते हैं steady state stability limit. उसके बारे में डिस्कस किया था. और इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रोटर एंगल फर्स्ट. तो व्हाट इज रोटर एंगल, ठीक है. तो रोटर एंगल यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है, टोटल एंगल इज डेल्टा और डेल्टा इज थीटा ई माइनस ओमेगा एस टी, ठीक है. तो ये सब हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया है. इनर्शिया कॉन्स्टेंट, एनर्जी स्टोर्ड इन मेगा जूल्स डिवाइडेड बाय MV rating of the machine. So this is basically H. So हम इसको represent करते हैं. Kinetic energy in mega joule and G divided by MV. तो mega से mega कट जाएगा. अगर यहाँ पे kilo joule divided by kVA भी होगा, then H की units same होंगी. ठीक है. H is a constant. After that हमने देखा था swing equation. और swing equation का role क्या है in determining the steady state लिमिट ऑफ द पावर सिस्टम. तो ट्रांसमिशन लाइन और जनरेटर के थ्रू हम इन्फेनाइट बस पे कितनी पावर ट्रांसफर कर सकते हैं, इस पी ई इज इक्वल टू पी मैक्स साइन डेल्टा, जिसमें पी मैक्स होगा आपका वी एस यानी कि जनरेटर, ठीक है. यहाँ पे जो वी एस का मतलब है सोर्स, वो है जनरेटर के टर्मिनल की वोल्टेज, ठीक है. और वी आर का मतलब है इन्फेनाइट बस बार जो है उसकी वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाई एक्स. एक्स के अंदर आपका XL प्लस XD यानी कि डायरेक्ट एक्सेस प्लस रिएक्टेंस आ जाएगी जनरेटर की, और XL मतलब लाइन की रिएक्टेंस, ठीक है, सीरीज रिएक्टेंस ऑफ द लाइन. तो जब भी हमें मैक्सिमम पावर निकालनी होगी या स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट यहाँ पर डिटरमाइन करनी होगी, तो डेल्टा होगा इसके बराबर 90 डिग्री के बराबर. उसके बाद हमने यहाँ पे स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट स्टडी कर रहे थे, ठीक है. और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वहाँ पे हमने एक डिस्टर्बेंस इंट्रोड्यूस की थी. तो उससे हुआ क्या था, जो हमारा इनिशियल एंगल था डेल्टा नॉट, वो चेंज हो गया था डेल्टा नॉट प्लस डेल डेल्टा. तो हमारे पास इस तरीके से आफ्टर सॉल्विंग एक कंडीशन आई थी, और वो कंडीशन क्या थी, बेस्ड अपॉन सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट. तो वो सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट यहाँ पे हम डिनोट करते हैं डेल पी बाय डेल डेल्टा से. तो अगर डेल पी बाय डेल डेल्टा हमारा ग्रेटर देन जीरो होता है, सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट यानी कि जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर होगी ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर, उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू रोटर एंगल या फिर स्विंग, वो अगर ग्रेटर देन जीरो है, तो हमारा जो सिस्टम है उसके जो रूट्स हैं वो लाई करेंगे जी ओमेगा एक्सिस पे, सिस्टम होगा हमारा मार्जिनली स्टेबल. और मार्जिनली स्टेबल है तो जो डेल्टा है, अगर देयर विल बी सम डिस्टर्बेंस डेल डेल्टा, तो ऑसिलेशंस आएंगे हमारे रोटर एंगल के लिए, ठीक है. और उसको हमें डैम्पिंग से ख़त्म करना पड़ेगा, यानी कि स्टेटर जो हमारा रोटर है डैम्पर वाइंडिंग्स उसमें लगी होती है, तो डैम्पर वाइंडिंग उसको डैम्प करेगी, ठीक है. तो कुछ इस तरीके से सिस्टम आपका होगा, ठीक है, विद डैम्पिंग. यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन थी, क्रिटिकल कंडीशन, वो क्या थी, कंडीशन फॉर द स्टेबिलिटी. तो हमने देखा था कि डेल डेल्टा ई बाय डेल डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे जो पी मैक्स कॉस डेल्टा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है. पी ई होता है हमारा ई मैक्स साइन डेल्टा, दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है. तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो होगा पी मैक्स कॉस डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन जीरो. यहाँ से हमारे पास कंडीशन आएगी कि ई मैक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो एंड सेकेंड इज कॉस डेल्टा मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो. कॉस डेल्टा मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो वाली जो हमारी कंडीशन है वो हमें क्या बताएगी कि फॉर विच वैल्यू ऑफ डेल्टा कॉस डेल्टा इज पॉजिटिव. तो कॉस डेल्टा आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, कॉस के लिए ग्राफ मैंने बनाया है, और कॉस डेल्टा जो है फंक्शन इज पॉजिटिव ओनली फॉर वेन डेल्टा लेस देन 90 डिग्री, ठीक है. तो ये चीज़ आप समझ गए कि कंडीशन क्या है स्टेबिलिटी की, कंडीशन ये है स्टेबिलिटी की दैट डेल्टा शुड बी लेस देन 90 डिग्री. तो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है इस ग्राफ में कि यहाँ पे आप देख सकते हो
जो हमारी पावर है, पावर डिलीवर्ड और पावर ट्रांसफर्ड ओवर द ट्रांसमिशन लाइन, वो हमारे डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री से नीचे वाली जो रेंज है डेल्टा की, वहाँ पर हम पावर ट्रांसफर करेंगे और उस केस में हमारा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी का मतलब है कि हमारा सिस्टम जो है सिंक्रोनिज्म में रहेगा, एल्स हमारा सिस्टम जो है आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। सो उसी सीक्वेंस में आज कुछ न्यूमेरिकल्स हैं तो हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट फर्स्ट फ्रॉम स्विंग इनर्शिया कांस्टेंट। ठीक है, इनर्शिया कांस्टेंट के ऊपर हमारे पास कुछ यहाँ पे एग्जांपल है और ये एग्जांपल बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है आपके पास, व्हाट इज इनर्शिया कांस्टेंट? तो इनर्शिया कांस्टेंट एच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एमवी रेटिंग, है ना। तो ये आपके पास सिंपल फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी मेगा जूल्स और एमवी रेटिंग है एमवी। तो इस तरीके से हम इनर्शिया कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये क्या है, हम बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सिंगल मशीन है तो हम इस तरीके से उसका इनर्शिया कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हमारे पास दो मशीन्स हैं जो कि पैरेलली वर्क करती हैं, ठीक है, टू मशीन्स वर्क इन पैरेलल, यानी कि हमारे पास जनरेटर्स हैं और जो कि वो दो जनरेटर्स जो हैं मशीन स्विंगिंग इन यूनिसन और कोहेरेंटली। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे लिखी है वो है मशीन्स स्विंगिंग इन यूनिसन। ठीक है, या कोहेरेंटली आप इस वर्ड को देख सकते हो। ठीक है, ये वर्ड आपको क्वेश्चंस में भी मिलेगा। तो यहाँ पे हमें इस टॉपिक में क्या करना होगा कि हमें यहाँ पे एच इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना होगा और एच इक्विवेलेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो मशीन्स हैं और दोनों मशीन्स एक कॉमन सिस्टम में काम कर रही हैं, यानी कि बेस जो वैल्यू होगी यहाँ पे बेस एम वी ए वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर बेस एम वी ए सेम है और मशीन हमारी पैरेलली वर्क कर रही है तो दोनों मशीन्स के सबसे पहले हम अलग अलग हमारी स्विंग इक्वेशंस लिखेंगे। ये दोनों स्विंग इक्वेशंस जो है ये आपको पता है आई थिंक, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। सो एच वन डिवाइडेड बाई पाई आर डी टू डी स्क्वायर डेल्टा वन बाय डी टी स्क्वायर पी आई वन माइनस पी ई वन। तो आई है इनपुट पावर, इसको हम पी एम से भी डिनोट करते थे और पी ई है हमारी पावर, इलेक्ट्रिकल पावर डेल्टा। तो यहाँ पे सेकेंड मशीन जो है सेम इक्वेशन हमने उसके लिए भी लिख दी। अब यहाँ पे मशीन्स स्विंगिंग इन यूनिसन का मतलब है कि जो मशीन्स हैं उनका जो रोटर है उसकी जो स्विंग है यानी कि एंगल डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू इज इक्वल टू डेल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर मशीन्स हमारी स्विंग कर रही हैं कोहेरेंटली तो उनका रोटर स्विंग या फिर उनकी रोटर उनका रोटर एंगल वो सेम होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे कि डेल्टा वन और डेल्टा टू की जगह यहाँ पे ओनली डेल्टा को पुट अप कर देंगे। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस में अब डेल्टा को पुट अप कर देंगे और दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आफ्टर एडिंग हमारे पास कुछ इस तरीके की एक कंडीशन आएगी। ठीक है, जिसमें पी आई का मतलब होगा पी आई वन प्लस पी आई टू, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, पी ई वन और पी ई टू जब ऐड हो जाएंगे तो वो हो जाएगा पी कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो पी ई इधर है और पी ई का मतलब है पी ई वन प्लस पी ई टू और माइनस साइन एज इट इज रहेगा। एच इक्विवेलेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है और एच इक्विवेलेंट का मतलब है यहाँ पे एच इक्विवेलेंट है और एच इक्विवेलेंट का मतलब है यहाँ पे एच वन प्लस एच टू। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे आया हमारे पास एच इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एच वन प्लस एच टू। ठीक है, तो अगर मशीन्स कोहेरेंटली वर्क कर रही हैं स्विंग सेम है
जो इक्विवेलेंट एच होगा वो होगा एच टू प्लस एच टू। ठीक है, अगर फर्स्ट मशीन के लिए मैं एच वन लिखूँ, ठीक है, तो यू कैन इजीली गेट फॉर फर्स्ट मशीन लाइक एच वन फॉर फर्स्ट मशीन, आप डायरेक्टली इसको इस फॉर्मूला से लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एच वन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट मशीन डिवाइडेड बाय इट्स एमवी रेटिंग। और अगर मैं सेकेंड मशीन की बात करूँ एच टू, सो एच टू विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड मशीन डिवाइडेड बाय एमवी रेटिंग ऑफ द सेकेंड मशीन। ठीक है, कंप्लीट, ये समझ गया आपको। और अगर मेरे को फाइंड आउट करना है क्या एच इक्विवेलेंट, तो अगेन मैं जाऊँगा फॉर्मूला, तो मैं इसको ऐसे देख लेता हूँ कि एच का जो फॉर्मूला है वो है काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एमवी रेटिंग। तो हमें निकालना है एच इक्विवेलेंट। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसकी होगी, अब सिस्टम की, और एमवी रेटिंग वो भी सिस्टम की होगी। ठीक है, तो सिस्टम की एमवी रेटिंग वो होगा बेस एमवी जो हमने मान लिया था। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड में तो आ जाएगा बेस एमवी। सिस्टम बेस एमवी, और ऊपर आएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें काइनेटिक एनर्जी वन निकालनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी वन क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी वन हो जाएगी आपकी एच वन मल्टीप्लाइड बाय जी वन, एच वन जी वन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जी वन मल्टीप्लाइड बाय एच वन, और सेकेंड केस में भी ऐसे ही होगा, दिस इज इक्वल टू एच टू जी टू। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एच इक्विवेलेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, जी वन एच वन प्लस जी टू एच टू मल्टीप्लाइड बाय, ओ सॉरी डिवाइडेड बाय बेस एम वी ए, है ना। तो मैं इस पर से लिख देता हूँ जी बेस। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला, और इसको आप यूज करोगे टू डिटरमाइन योर सिस्टम इक्विवेलेंट इनर्शिया कॉन्स्टेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यस सर। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है, और देखते हैं कौन सबसे पहले कर पाता है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रॉब्लम में क्या है कि एक 400 MVA सिंक्रोनस मशीन है। ठीक है, तो पहला जनरेटर है हमारे पास जी वन और मशीन वन, और ऐसे ही हमारे पास सेकेंड मशीन भी गिवन है मशीन। ठीक है, यहाँ पे जो मशीन वन है वो उसकी रेटिंग दी है, यानी कि जी वन 400 MVA। ऐसे ही हमारे पास जो मशीन टू है उसकी भी एमवी रेटिंग दी है जी टू 1200 MVA। एच वन यहाँ पे गिवन है हमारे पास 4.6 MJ पर एमवी, और एच टू यहाँ पे गिवन है हमारे पास 3.0 MJ पर एमवी। और अब हमें निकालना है कि द टू मशीन्स ऑपरेट, यहाँ पे लिखा है द टू मशीन्स ऑपरेट इन पैरेलल द पावर सिस्टम, और द मशीन्स आर स्विंगिंग कोहेरेंटली। मशीन स्विंगिंग कोहेरेंटली वाला केस है यहाँ पे, तो आपको निकालना है एच इक्विवेलेंट। निकाल दो फटाफट, सिंपल फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, और वो फॉर्मूला है हमारे पास एच इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
जी वन एच वन प्लस जी टू एच टू डिवाइडेड बाय जी बेस। ठीक है, यहाँ पे हमें बोला है कि फाइंड आउट एच इक्विवेलेंट रिलेटिव टू अ बेस ऑफ 100 MVA। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि जो बेस MVA दिया है वो है 100 MVA। ठीक है, तो ये 100 MVA बेस को आपको यहाँ पे यूज करना है और डिटरमाइन करना है आपका एच। क्विकली डिटरमाइन ये आंसर क्या आता है बताओ। हाँ आंसर आप लोगों को फोर पॉइंट फोर ठीक है। हाँ सत्ता आ गया भाई सुरभि, सर हाँ सेम आया। सर तो कुछ ऐसा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100 और जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 54.4। ठीक है, यूनिट्स आर मेगा जूल पर एमवी एच इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम डायरेक्टली गेट में आती है एंड 1 to 2 मार्क्स में आपको ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, बेसिकली ये 1 मार्क में रहेगा और अगर थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट दे दिया गया तो हो सकता है कि 2 मार्क्स का भी हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको पहले एच निकालना होगा। ठीक है, फ्रॉम द सेम इक्वेशन कुछ इस तरीके का क्वेश्चन। तो ये टॉपिक क्लियर है? यस यस सर। ओके, तो हम चलते हैं आज और देखते हैं कि भाई जो हमने लर्न किया है ठीक है उसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी। तो हमारे पास यहाँ पे है एक प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन पावर सिस्टम स्टेबिलिटी लिमिट। ठीक है, तो वी आर स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी। सो स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है भाई, कौन बताएगा? बताओ स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी का मतलब। अमित, महेश, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? नेट तो नहीं चला गया? हेलो सुरभि, यस हाँ बताओ स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? स्मॉल डिस्टरबेंस होने के बाद वापस उसकी इनिशियल कंडीशन में वो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम कैसे मेंटेन होता है वो। वो तो हम बोलते हैं वो तो हो गई स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है कि कभी भी कोई डिस्टरबेंस हुई पावर सिस्टम में तो हमारी मशीन अपने सिंक्रोनस को लूज ना करे और पावर सिस्टम हमारा जिस स्टेट में काम कर रहा था उस स्टेट में वापस लौट जाए, वो तो हुई स्टेबिलिटी। मैंने बताई थी 3 तरीके की स्टेबिलिटी अंडर रोटर एंगल स्टेबिलिटी। तो वहाँ पे जो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी का मतलब था, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी हमेशा हम डिटरमाइन करते हैं यहाँ पे अपर लिमिट ऑफ द पावर ट्रांसफर। ठीक है, सो अपर लिमिट ऑफ पावर ट्रांसफर यहाँ पे डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, और ऐसा कब, जब लोड ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। ठीक है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो अपर लिमिट हमेशा डिटरमाइन की जाती है पावर सिस्टम में और लोड ग्रेजुअली अगर इंक्रीज कर रहा हो उस कंडीशन में स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट को
हमें डिटरमाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सामने स्ट्रीम पे एक प्रॉब्लम है। ठीक है, और अंडर दिस प्रॉब्लम यहाँ पे है कि फाइंड द मैक्सिमम स्टेडी स्टेट पावर कैपेबिलिटी ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ जनरेटर। तो यहाँ पे एक सिस्टम है और इस सिस्टम में हमारे पास एक जनरेटर है। तो लेट्स से ये हमारा कुछ इस तरीके से जनरेटर लगा हुआ है। ठीक है, और जनरेटर इक्विवेलेंट रिएक्टेंस ऑफ 0.4 पर यूनिट कनेक्टेड टू अ इनफिनाइट बस थ्रू अ सीरीज रिएक्टेंस। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास एक जनरेटर है और जिसकी इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, यहाँ पे ये जनरेटर की रिएक्टेंस है जिसको हम बोलते हैं जे एक्स डी या डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस। अगर हमारे पास सेलिएंट पोल मशीन है तो ये हमें गिवन है और यहाँ पे कहीं जनरेटर के टर्मिनल्स हैं। उसके बाद आफ्टर जनरेटर टर्मिनल्स हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग इन्फिनाइट बस। ठीक है, तो इन्फिनाइट बस हमारी यहाँ पर है आईबीबी इन्फिनाइट बस बार और ये कनेक्टेड है थ्रू अ सीरीज रिएक्टेंस। तो जो ये वाला पोर्शन है वो हमारा एक सीरीज रिएक्टेंस है यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारी जे एक्स एल सीरीज रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पे कहने का मतलब है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया और जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है वो समझ में आया, एक बार उसको ढंग से आप लोग पढ़ लो क्वेश्चन को। ठीक है, तो इंटरनेट बस बार को हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, दिखाते हैं जनरेटर हमारा ये है, दिस इज अवर ट्रांसमिशन लाइन, दिस इज द इंटरनल रिएक्टेंस ऑफ द जनरेटर। अब हमने इसके लिए ऑलरेडी इस तरीके की कंडीशन को हम पढ़ चुके हैं, इस तरीके के डायग्राम को हमने एनालाइज कर चुके हैं एक बार और इसका इक्विवेलेंट डायग्राम भी हमने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है, सबसे पहले तो जनरेटर है हमारे पास, तो जनरेटर का हमारा होता है ई जी यानी कि इंटरनल ई एम एफ जनरेटर, इसको हम डिनोट करते थे वी एस एंगल डेल्टा से। ठीक है, और ये हमारे टर्मिनल, तो फिलहाल हम ऐसे लिख देते हैं टर्मिनल्स ऑफ जनरेटर, दिस इज अवर ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, दिस इज आईबीबी इन्फिनाइट बस बार। तो इन्फिनाइट बस बार क्या होती थी हमारी, रिसीविंग एंड। ठीक है, वी आर यहाँ पे होती थी वोल्टेज और वी आर इज मेंटेन्ड एट वी आर एंगल 0 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस डायग्राम को पढ़ा था। अगर ये हमारा जनरेटर है तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो उसको मान लेते हैं वी टी, तो वी टी क्या होगी, वी टी एंगल सम थीटा। तो इस तरीके का ये डायग्राम है और इसको हमें आप कन्वर्ट करना है अपने सिंगल लाइन डायग्राम में। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो इसके लिए आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे और देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा ये जनरेटर है, ये जनरेटर जो है
ठीक है, जो ऊपर वाला डायग्राम है वो आप समझ गए, नीचे मैंने क्या बनाया है, कैसे बनाया है, डायग्राम क्लियर हो गया? यस सर। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, और क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। तो यहाँ पे गिवन है कि फाइंड द मैक्सिमम स्टेडी स्टेट कैपेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, पी मैक्स निकालना है। तो फॉर्मूला है, द फॉर्मूला इज पी इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर इज पी मैक्स साइन डेल्टा। इसमें हमें पी मैक्स डिटरमाइन करना है यहाँ पे इस प्रॉब्लम में, ठीक है। तो पी मैक्स बेसिकली जो भी पी मैक्स होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा ईजी, जो हमारी इंटरनल ईएमएफ है, या वी एक्चुअल सोर्स वोल्टेज उसका मैग्नीट्यूड। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ईजी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और वी एस भी लिख सकते हैं, देन मल्टीप्लाइड बाय वी आर डिवाइडेड बाय टोटल रिएक्टेंस एक्स, ठीक है। तो ये है हमारा पी मैक्स, ठीक है, और हमने इसको शुरुआत में ऐसे देखा था वी एस वी आर बाय एक्स, ठीक है। तो वी एस और ई जी मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम चीज रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हमें गिवन है कि एक्स टी इज जे 0.4 पर यूनिट, एक्स एल इज जे 1.0 पर यूनिट, है ना, सीरीज रिएक्टेंस। अब यहाँ पे क्या गिवन है कि द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द जनरेटर इज हेल्ड एट 1.1 पर यूनिट। तो कहने का मतलब है ये जो वी टी का मैग्नीट्यूड है ये हमें गिवन है, हाउएवर एंगल इज नॉट गिवन। तो यहाँ पे हमें गिवन है 1.1 एंगल बीटा डिग्रीज, और क्या गिवन है, द वोल्टेज ऑफ द इन्फेनाइट बस। तो इन्फेनाइट बस पे कितनी वोल्टेज है, 1 पर यूनिट, एंगल इज ऑलवेज मेंटेन एट 0 डिग्री। तो वी आर एक्चुअली गिवन टू अस 1.0 एंगल 0 डिग्री। अब यहाँ पे जो भी हमें पी मैक्स निकालना है, वी आर तो हमें पता है, वी आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, एक्स भी हमें पता है, जो एक्स की वैल्यू है ये भी आपको पता है, ये आप कैसे निकालोगे, जे एक्स एल प्लस जे एक्स टी आप इसको कर दोगे तो ये हो जाएगा जे एक्स, ठीक है। तो आप क्या नहीं पता है यहाँ पे, वो है वी एस सोर्स मैग्नीट्यूड और ई जी। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम दिख रही है और दिस इज अ सिंपल सर्किट थ्योरी प्रॉब्लम और आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो भी हमारा पावर सिस्टम है, इतना बड़ा इतनी जो ह्यूज डिवाइसेस हैं या ह्यूज हमारा मशीन्स हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, ठीक है, दे ऑल कन्वर्टेड टू अ सिंपल बेसिक डायग्राम, जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो जो भी ऊपर वाला डायग्राम है वो हमारा कन्वर्ट हो गया है एक सिंपल से डायग्राम में, जिसमें हमें केवल सर्किट थ्योरी का यूज़ करना है, ठीक है। तो लेट इज फाइंड ई जी। तो हमें यहाँ पे ई जी का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करना पड़ेगा टू गेट अवर पावर, ठीक है। तो यू विल डिटरमाइन ई जी। तो सबसे पहले आप देखो, जो ये ई जी वोल्टेज है उसके लिए अगर मैं सिंपल के वी एल इक्वेशन लिखूँ, कंसिडरिंग कि यहाँ पे कोई आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो फॉर दिस पार्ट ओनली, अगर इस पार्ट को कंसिडर करूँ मैं, तो जो ई जी होगा वो क्या होगा मेरा, वी टी प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय जे एक्स डी। सिंपल, समझ गए? यस सर। यहाँ पे जो वी टी है, वी टी है वी टी एंगल थीटा, ओके, देन प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय जे टाइम्स एक्स डी। अब यहाँ पे आई हमें पता नहीं है, ठीक है, तो आई क्या होगा यहाँ पे आई, ठीक है। अब हम लेंगे इस वाले लूप, ठीक है, इस वाले
और मैं यहाँ से आई डिटरमाइन कर सकता हूँ बिकॉज आई यहाँ पे फ्लो कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई विल बी कंसिडर्ड एज अगर इस पॉइंट से, क्योंकि इस पॉइंट पे मुझे वोल्टेज पता है वो है मेरी वी टी माइनस बस की वोल्टेज, इंफिनाइट बस की वोल्टेज वी आर डिवाइडेड बाय एक्सएल और जे एक्सएल, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन होगी इसके लिए करंट के लिए। तो उसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि वी टी, वी टी इज व्हाट 1.1 एंगल 30 डिग्रीज माइनस वी आर, वी आर इज 1.0 एंगल 0 डिग्रीज एंड डिवाइडेड बाय जे एक्सएल, ठीक है। और इसको मैं पुट कर देता हूँ अपनी ऊपर वाली इक्वेशन में। तो ई जी को अभी मैं लिख रहा हूँ कि ई जी का मैग्नीट्यूड और ई जी का एंगल डेल्टा, ठीक है, जो हम कंसिडर करते हैं। वी टी एंगल थीटा, वी टी का मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा डिग्रीज प्लस जे मल्टीप्लाइड बाय आई, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि आई क्या है मेरा 1.1 एंगल थीटा डिग्रीज माइनस 1.0 एंगल 0 डिग्रीज डिवाइडेड बाय जे एक्सएल की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ जे वन, और एक्स टी की वैल्यू भी मैं पुट कर सकता हूँ वो क्या है जे टाइम्स 0.2, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे देखोगे तो ये जे से जे कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो भी ये वाला पार्ट है इसको मैं फॉर सिंप्लीफिकेशन मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ कॉस एंड साइन की टर्म्स में। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा अभी, यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ई जी कॉस डेल्टा प्लस जे मैग्नीट्यूड ई जी साइन डेल्टा, ठीक है। उसी तरीके से इसको भी लिख सकता हूँ वी टी का मैग्नीट्यूड कितना है, वी टी का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। तो वी टी का मैग्नीट्यूड मेरे को गिवन है दैट इज 1.1, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं हो जाएगा 1.1 एंड एंगल इज थीटा डिग्रीज, ठीक है। देन प्लस जे 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 एंगल थीटा डिग्री माइनस 1.0 एंगल 0 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज जस्ट द सिंप्लीफिकेशन, इसको भी हम कॉस एंड साइन की टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हम कंपेयर कर सकें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ई जी मैग्नीट्यूड कॉस डेल्टा प्लस जे ई जी साइन डेल्टा एक तरफ, और राइट हैंड साइड पे 1.1 कॉस थीटा प्लस जे 1.1 साइन थीटा, और इस तरफ हो जाएगा आपके पास पॉइंट फोर इन हमारा थीटा जे टाइम्स 0.4, इसको भी हम अंदर भी हम उसी तरीके से ओपन कर लेंगे। तो 1.1 कॉस थीटा प्लस जे 1.1 साइन थीटा माइनस हो जाएगा बस क्या 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं 1.1 cos theta प्लस जे 1.1 sin theta प्लस, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, 0.44 जे 0.44 cos of theta प्लस जे स्क्वायर
1.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो थीटा वाली टर्म्स जो है वो एक तरफ आ जाएंगे आपके पास लाइक दिस। ये तो हमारी जे के साथ टर्म है, एक टर्म हमारी ये है माइनस 0.44 साइन थीटा। तो इसमें हमें रियल और हमारा दूसरा इमेजिनरी पार्ट उन दोनों को अलग करना है। तो आपका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा भाई बताओ, व्हाट विल बी योर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट? यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे, वो ये कि ये जो एक्स टी है यहाँ पे ये जे नहीं आएगा है ना, साथ में जे हमने वो पहले लिख लिया है, केवल 0.4 आएगा यहाँ पे। जे से जे कट गया है, ओनली 0.4 यहाँ पे बाहर है, यहाँ से जे हटा दो है ना। इस वाली इक्वेशन को देखो, यहाँ पे जे 0.4 ये है जे 0.2, तो जे से जे ऑलरेडी कट चुका है, 0.4 बचा है यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ से ये जे को हटा देते हैं। अब हम लिख लेते हैं दोबारा से, यहाँ पे हो जाएगा 0.44 cos थीटा हो जाएगा पहले, प्लस जे टाइम्स 0.44 साइन थीटा और माइनस 0.4। ठीक है, अभी ठीक है इक्वेशन। और उसके बाद यहाँ पे हम इसको देखो, ये हो जाएगा 1.54 cos थीटा और ये भी रियल पार्ट है, तो ये आ जाएगा माइनस 0.4 एक तरफ, उसके बाद प्लस साइन थीटा वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, जे 1.54 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, ईजी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा प्लस जे ईजी साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1.54 कॉस ऑफ थीटा माइनस 0.4 प्लस जे टाइम्स 1.4 साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कंपेयर करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं
यहाँ पे डेल्टा है। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे रियल पार्ट्स को, तो ईजी कॉस डेल्टा इज इक्वल टू 1.54 कॉस थीटा माइनस 0.4। ठीक है, फर्स्ट हमने रियल पार्ट को कंपेयर किया है यहाँ पे, तो हमारा इस तरीके से हमें मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि भाई इफ वी वांटेड टू डिटरमाइन हमें क्या निकालना है, इफ वी वांटेड टू डिटरमाइन पी मैक्स, तो पी मैक्स निकलता है जब भी, तो डेल्टा हमारा किसके बराबर होता है, कितनी वैल्यू होती है डेल्टा की वेन एवर वी वांटेड टू कैलकुलेट पी मैक्स, बताओ। महेश, डेल्टा इज इक्वल टू सुरभि, अमित, रिपीट कर वो मतलब क्या पूछे, क्वेश्चन ये है कि अगर हमें पी मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो डेल्टा किसके बराबर होगा, 90 डिग्री है ना, वेरी गुड, तो डेल्टा होगा 90 डिग्री के बराबर, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 90 डिग्री को, सो ईजी कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 1.54 कॉस ऑफ थीटा माइनस 0.4। अब कॉस 90 तो आपका जीरो हो जाता है, होल पार्ट इक्वल टू जीरो के बराबर हो गया। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ सकती है हमारे पास, वो आएगी कॉस इनवर्स ऑफ 0.4 डिवाइडेड बाय 1.54। ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एंगल यहाँ पे जो एंगल आएगा हमारे पास वो होगा बस 74.93 होगी, तो 74.93 डिग्रीज। तो अगर अब हम ऊपर अपने डायग्राम में देखें, यहाँ पे इस डायग्राम जो वी टी है ना, और जो वी टी का एंगल है वो एंगल हमारे पास कितना है, थीटा, और वो है 74.93। तो ये वाली वैल्यूज हमने डिटरमाइन कर ली है। अगर ये वोल्टेज हमें पता लग गई तो हम इजीली अब वी एस का मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एंगल पता नहीं था, दिस इज वाई वी हैव डन दिस कैलकुलेशन। तो हम चलते हैं और डिटरमाइन करते हैं हमारे मैग्नीट्यूड को। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे भाई, मैग्नीट्यूड को हम निकालेंगे बाय कंपेयरिंग दीज टू पार्ट्स। ठीक है, बिकॉज साइन डेल्टा यहाँ पे क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे ऐसे हमें इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करने पे हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे जो सेकेंड पोर्शन है वो ये है, इमेजिनरी पार्ट को आप कंपेयर करो, तो जे ई जी मैग्नीट्यूड साइन डेल्टा वो किसके बराबर होगा आपका, जे 1.54 साइन थीटा। ओके, तो डेल्टा 90 डिग्री है, यानी कि हो जाएगा ई जी साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1.54 साइन ऑफ 74.93 डिग्रीज। ठीक है, ये तो हो जाएगा 1, और ई जी का मैग्नीट्यूड अब आपके पास आ गया है 1.54 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 74.93। तो बताओ क्या होता है साइन ऑफ 74.93,
0.966656. ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास ईजी की वैल्यू आ जाएगी, ईजी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, कितना आएगा आपके पास, दैट इज 1.487 पर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगेन अगर हम डायग्राम देखें एक बार, इनटू दिस डायग्राम जो ईजी है आपका वो होगा 1.487 एंगल डेल्टा। ठीक है, तो जैसे जैसे डेल्टा की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे पावर डिलीवरी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, डेल्टा की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है आपकी कितनी पावर आप ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पी ई इज इक्वल टू पी मैक्स साइन ऑफ डेल्टा। ठीक है, जो पी मैक्स है वो हमें कैलकुलेट करना था और जो इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर होगी ट्रांसफर होगी वो डायरेक्टली साइन ऑफ डेल्टा पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अगर हमें मैक्सिमम पावर निकालनी है तो हम डेल्टा को 90 रख सकते हैं और हमने वही किया, तो हम निकाल लेते हैं हमारा पी मैक्स जो कि पी ई के बराबर होगा व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू ई जी मैग्नीट्यूड और सोर्स वोल्टेज मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टोटल रिएक्टेंस एक्स। तो ई जी इज 1.487 मल्टीप्लाई कर दो आप बी आर से, बी आर आपको दिख रहा है क्या है 1.0, सो 1.0 डिवाइडेड बाय टोटल एक्स, टोटल एक्स कैसे निकालना था, एक्स एल प्लस एक्स डी। ठीक है, सो एक्सएल क्या है, ओनली हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। ठीक है, और जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे जी हमारे पास नहीं होता है, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ द पावर ट्रांसफर इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आता है 0.4 + 1। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द आंसर। वो पी मैक्स पावर, मैक्सिमम पावर जो भी डिलीवर होगी वो होगी आपकी हाउ मच, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 1.0621 पर यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपकी मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी टू द इंफिनिट बस बार फ्रॉम द जनरेटर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व में आ गया? यस सर। सो अगर मैं आपको बोलूं कि यू आर हैविंग सेम प्रॉब्लम, ठीक है, एज इट इज प्रॉब्लम है, ओनली डिफरेंस इज देयर इज अ चेंज इन नंबर्स, है ना, जो भी नंबर्स हैं वो चेंज्ड। ठीक है, तो इसको कर सकते हो, देखते हैं, यू हैव 4 or 5 minutes, तो कैन यू डिटरमाइन द आंसर। सेम क्वेश्चन है, ओनली नंबर्स यहाँ पे चेंज कर दिए गए। ठीक है, फाइंड द स्टेडी स्टेट पावर लिमिट कहो या मैक्सिमम पावर कहो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है कि डिटरमाइन और फाइंड द स्टेडी स्टेट पावर लिमिट, दैट मीन्स कि आपको क्या डिटरमाइन करना है, मैक्सिमम पावर। और पी मैक्स, ठीक है, यहाँ पे पी मैक्स आपको डिटरमाइन करना है, क्वेश्चन सेम है। महेश हो जाएगा क्वेश्चन, महेश, अमित, सुरभि, अशोक। यस सर। यस सर। तो इस क्वेश्चन को टेक इट योर होमवर्क प्रॉब्लम। ठीक है,
तो ये आप लोगों की होमवर्क प्रॉब्लम हो गई, और साथ में जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया वो असाइनमेंट भी सबमिट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसका आंसर मैं कल वाली क्लास में पूछूंगा आपसे, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में हमें क्या निकालना होता है, मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द जनरेटर टू द इन्फिनाइट बस बार, ठीक है। उससे रिलेटेड दो प्रॉब्लम हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए, ठीक है।